यार बिल्कुल सही बात बोली है। जब अगर कंपनी नई गाड़ी के ऊपर लाखों के डिस्काउंट बांट रही है, साल भर का तेल फ्री दे रही है, तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं सिट्रोइन की C3 एयर क्रॉस का ड्राइव रिव्यू। तो लो दोस्तों फाइनली नींबू की तरह निचोड़ दिया उस गाड़ी को, उसके पूरी रिपोर्ट कार्ड बना दिया, पूरे उस चिट्ठे खुल गए हैं, इसके पूरे पत्ते ओपन हो चुके हैं। भाई साहब लेनी है या नहीं लेनी, क्रॉस मार देना। आप पहले इसके ड्राइव रिव्यू देख लो, मैनुअल और ऑटोमेटिक के दोनों। क्लच बहुत हार्ड है, क्लच हार्ड है, क्लच तो ऐसे लग रहा था जैसे डीजल गाड़ी का होता है, गियर सॉफ्ट है जी हाँ, बाकी पंच बहुत है गाड़ी में, पंच तो ये इंजन ही बहुत बढ़िया है। बस ये ना ये चीजें देख के बड़ा वो लगता है, बड़ा हल्की क्वालिटी की, क्वालिटी बड़ी हल्की है। देखो यहाँ पे पकड़ने का ही नहीं है, पीछे है आगे नहीं है। ये टायर नॉइज देख कितनी आ रही है, लेकिन यार फिर भी काफी मैनेजेबल है, काफी मैनेजेबल बॉडी वाला गाड़ी का साइज है। लो स्पीड्स पर ना थोड़ी सी जैसे आवाज आवाज आ रही है, वाइब्रेशन। बाकी जब इंजन रेव होने लगता तो तुझे पता ही है ये किस लेवल का। इसमें अच्छी बात क्या है, ये 1.2 है, 1 लीटर टर्बो नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है कि थोड़ा इंजन बड़ा है। इंजन बहुत बढ़िया है ये, जबकि 3 सिलेंडर ही है, लेकिन ये फिर कहीं बेटर है कि 1.2 है। इसके सस्पेंशन कितने अच्छे हैं, सस्पेंशन सेटअप लाजवाब है, मतलब अभी तक एक झटका नहीं आया गाड़ी के अंदर। ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं, दो भी सफिशिएंट है, ब्रेक्स की कमी नहीं है। ब्रेक कहां तक रेव होता है, रेड लाइन तक। बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन है, सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है। तो इसके हैंडल बड़े तेजी से हैं, ये देखो सीटें भी, ये भी थोड़ा सा ना अटक रहा था यहाँ पे, बाकी हैंडलिंग वाइज ओके है गाड़ी। हाँ मित्र, हाई स्पीड पे स्टेबल है गाड़ी, स्टेबल है। हाँ। जबकि इतने प्यारे सस्पेंशन है, लो स्पीड पे सॉफ्ट है, जवाब हाई स्पीड स्टेबिलिटी है। ऑटोमेटिक कैसा लग रहा है, हल्का सा ना इतना सा लैग आता है, अगर एकदम पावर मांग रहे हो तो कनवर्टर है ना, लेकिन जैसे ही ये 2000 आरपीएम के आसपास पहुंच रही है ना, पावर मचा पूरे शबाब पे आ जाता है इंजन ये। ओ हां ये देख यहां पे थोड़ा सा ना आरपीएम ऊपर ज्यादा ले रही है, जैसे ही आप जरूरत है ना, यहाँ तो बहुत प्यार से पेडल प्रेस करो, हल्का सा भी हार्ड एक्सेलरेशन किया ना तो इतनी जल्दी आरपीएम ऊपर भागता है ना, तो कन्वर्टर। ओए होए डाउन हिल पे तो भैया अच्छी खासी स्टेबिलिटी है गाड़ी, मतलब इतना कंट्रोल बॉडी रोल है ना गाड़ी के अंदर, जबकि सस्पेंशन इतने सॉफ्ट है। हाँ दोस्तों, अभी आपने देखा C3 एयर क्रॉस का ड्राइव रिव्यू मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों में। तो भैया शुरू से शुरू करते हैं, कैसी लगी गाड़ी? भाई गाड़ी ओवरऑल तो ओके है, जो अगर ड्राइव क्वालिटी की बात करें तो ड्राइव क्वालिटी, इंजन तो बहुत ही लाजवाब है इसका, बिल्कुल इंजन काफी, काफी अच्छा है, उसके लिए थम्स अप है। बिल्कुल इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स में बात करेंगे और कंक्लूजन में इसकी सारी रिपोर्ट कार्ड जो है बता देंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके पॉजिटिव से, पॉजिटिव से शुरू करते हैं गाड़ी के। इसका पहला पॉजिटिव इंजन बहुत ही लाजवाब है, ये 1.2 टर्बो इंजन है, बहुत जबरदस्त पंची इंजन है ये, इंजन काफी अच्छा है ये, यही वही वही इंजन है जो C3 इनकी जो गाड़ी आती है
जो हैचबैक छोटी हैचबैक आती है उसमें जो उसके अंदर जो इंजन इन्होंने टॉप मॉडल में दे रखा है ये उसी इंजन को इसके अंदर डाला गया। मैनुअल में लगभग वही ट्यूनिंग है और ऑटोमेटिक में थोड़ी सी टॉर्क जो है बढ़ा रखी है इसकी, बिल्कुल 205 कर रखी है बिल्कुल। तो इंजन लाजवाब है। अगला पॉजिटिव, ड्राइव क्वालिटी जो है वो भी बहुत अच्छी है इसकी गाड़ी की, स्टीयरिंग फीडबैक भी बहुत अच्छा, सस्पेंशन भी काफी ज्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट है, अच्छे खासे सस्पेंशन काम करते हैं गाड़ी के बिल्कुल। और अगर बात करें कि मैनुअल और ऑटोमेटिक से, तो मुझे इसका मैनुअल जो है वो ज्यादा बेटर महसूस हुआ है जो है, क्योंकि दोस्तों इसका रीजन क्या है कि टॉर्क कन्वर्टर में टॉर्क भी ज्यादा है भैया, माइलेज भूल जाओ, माइलेज उसमें नहीं आएगी जो उनका ऑटोमेटिक है टॉर्क कन्वर्टर, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों बहुत ही जल्दी वो आरपीएम ऊपर लेके चला जाता है। थोड़ा सा ना आरपीएम ऊपर ज्यादा ले रही है, जैसे ही आप को जरूरत है ना, यहाँ तो बहुत प्यार से पेडल प्रेस करो, कई जगह तो ऐसे फील हुआ कि अगर रेड लाइट आई है और हल्का सा उसके बाद आपने गाड़ी चलानी शुरू की है, हल्का सा भी पंजा दबाया तो वो एकदम झटका मार के आरपीएम जो है 2000 से ऊपर ले जाती है, यानी कि टॉर्क कन्वर्टर के अंदर वो अपना स्वीट पॉइंट ढूंढती है, बॉइलिंग पॉइंट ढूंढती है जो है। गाड़ी जबरदस्ती ओवर ट्यून्ड लग रही थी ऑटोमेटिक के अंदर। हाँ, जो है गाड़ी तो है। अब दोस्तों इसके हम सिटिंग कंफर्ट की बात करें, तो सिटिंग कंफर्ट ये आप देख सकते हो कि पीछे भी हमने तीन लोगों ने बैठ के देखा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पीछे से कंफर्टेबल तो नहीं है बिल्कुल दोस्तों, बेसिकली 5 लोगों के लिए भी नहीं है ये गाड़ी। उसका कारण क्या, एक तो बीच में हम्प है इतना बड़ा कि बीच वाला बंदा तो बैठे अनकंफर्टेबल लगता है, ऊपर से ना पीछे सेंटर हेडरेस्ट है, ये आप देखो सेंटर हेडरेस्ट ही नहीं है, पीछे वाला बंदा बैठेगा तो बैठेगा कैसे इसके अंदर, भैया गर्दन ही टूटेगी जब ब्रेक लगेगी। तो दोस्तों 4 सीटर गाड़ी ही है ये, 4 सीटर ही मान के चलना है इसको, और 7 सीटर तो गाड़ी मतलब नाम की भी नहीं है, क्रॉस मतलब... मार देना 7 सीटर समझ के मत ले लेना भैया, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हो पीछे बिल्कुल भी जगह नहीं है इसके, और अगर पीछे कोई बैठ भी गया बच्चा भी बिठा दिया तो डर जाएगा, इतने इतने से तो शीशे लग रहे हैं पीछे जो है विंडो जो है, जो हल्का सा ग्लास एरिया जो है, जेल है भैया मतलब पीछे तो जेल है बेसिकली, ये 5 सीटर ही है, उसको जबरदस्ती का 7 सीटर बना दिया गया। 5 सीटर भी प्रॉपर जो है ये नहीं है, नहीं है, हम पे बीच में बहुत बड़ा, पीछे सेंटर हेडरेस्ट जो है उसकी बहुत बड़ी कमी है। स्टीयरिंग फीडबैक जो अच्छा है ना दोस्तों, वो थोड़ी सी अच्छी स्पीड पे थोड़ा अच्छा काम करता है, हाई स्पीड पे, लो स्पीड पे जो है ना वो बहुत बढ़िया नहीं है स्टीयरिंग फीडबैक। तो ये थे इसके पॉजिटिव, अब दोस्तों चलते हैं इसके नेगेटिव्स की तरफ गाड़ी के। पहला नेगेटिव, मैनुअल के अंदर क्लच इतना ज्यादा टाइट है कि आपको लगेगा कि आप डीजल गाड़ी चला रहे हो बिल्कुल। दूसरा नेगेटिव दोस्तों, मैनुअल चलाते हुए आपका घुटना जो है वो साइड में बहुत ही ज्यादा अटकता है बिल्कुल, ये मैनुअल में कमी है। एक और क्या कमी मैंने नोटिस करी गाड़ी में कि गाड़ी की साइड वाली सीट, पैसेंजर सीट इतनी ज्यादा अपलिफ्ट कर रखी है जबरदस्ती की, जैसे ही गाड़ी में घुसोगे भैया घुसते ही मेरा सर लगा ऊपर, मतलब इतनी जबरदस्ती की ऊंची कर रखी है, और उसमें हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन नहीं दे रखा बल्कि जो ड्राइवर सीट है वो ठीक ठाक है, ड्राइवर सीट ठीक है, लेकिन को पैसेंजर सीट बहुत ही मतलब ज्यादा अपलिफ्ट कर रखी है, जैसे गाड़ी को एसयूवी बनाने की कोशिश कर रखी है जबरदस्ती की। ये चीज आप नोटिस कर रहे हो गाड़ी में बैठते उतरते हुए, स्टीयरिंग सिर्फ टिल्ट होता है, टेलीस्कोपिक नहीं होता, ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है गाड़ी का। अगला नेगेटिव दोस्तों, चाबी के अंदर ही बटन दे रखे हैं, बिल्कुल आपको लगेगा कि आपने 10 साल 15 साल पुराने जो है गाड़ी आपने ले रखी है, कुछ चीजें कुछ स्टार्ट भी नहीं है टॉप मॉडल के अंदर, वेंटिलेशन ऑप्शन नहीं है, इलेक्ट्रिक सीट की तो ऑप्शन है ही नहीं बिल्कुल, जो है ये काफी सारे इसके छोटे छोटे नेगेटिव हो जाते हैं। सनरूफ भी नहीं है, सनरूफ जो भैया सबसे ज्यादा हम लोगों भाइयों को जो सबसे ज्यादा बढ़िया लगती है ना भैया, वो होती है सनरूफ, टॉप मॉडल के अंदर भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है। ये खिड़कियां तो ठीक है, लेकिन जब तक ऊपर खिड़की नहीं होती ना तब तक स्वाद नहीं आता, तड़का नहीं लगता यार, हार्ड अर्न मनी लग रही है, बच्चे भी बैठते हैं गाड़ी में वो चीजें। हाँ अगला दोस्तों एक नेगेटिव भैया, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही हल्की थी गाड़ी की भाई, कागज जैसा इसका बोनट लग रहा था, मतलब अभी तो खैर इन्होंने 6 एयरबैग मैंडेटरी कर दी हैं, लेकिन अभी तो ये 2 साल अभी पुराना माल ही बेचेंगे, लेकिन फिलहाल भैया अभी जो अभी तक जो गाड़ियां आ रही हैं या फिर अभी भी जो ये स्टॉक में क्लियर कर रहे गाड़ियां उनमें 2 एयरबैग आते हैं टॉप मॉडल में, 14-15 लाख में 2 एयरबैग, भैया हुंडई 5 लाख 6 लाख के आइटम में 6 एयरबैग दे रही है, वो अलग बात है कि वो 8-8 महीने साल भर देने, बहुत ही बड़ा नेगेटिव है जिन लोगों ने ले ली है या जो लोग 23 वाला माल उठाएंगे इसका, क्योंकि ये 24 पूरे 24 में 23 का ही माल बेचते रहेंगे जितनी की इनकी सेल है, तो 2 एयरबैग के साथ ही मिलेगी गाड़ी, तो बिल्कुल भी अक्लबंदी नहीं है 2 एयरबैग के साथ 14-15 लाख रुपए खर्च देना, सेफ्टी वगैरह गाड़ी में बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है। एनवीएच लेवल
गाड़ी का बहुत ही ज्यादा खराब है, टायर नॉइस भी आती है और बाहर का शोर भी महसूस होता है, खासकर लो स्पीड्स पे बहुत ज्यादा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि बड़ी कोई सस्ती सेगमेंट की आप गाड़ी चला रहे हो, जबकि गाड़ी अच्छी खासी 13-14-15 लाख रुपए तक जाती है। चीप चीप कॉस्ट कटिंग कर रखी है, जैसे कि दक्ष ने बताया अभी की डोर हैंडल आपको लगता है कि आप पुराने जमाने की 800 गाड़ी चला रहे हो, बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग है वो तो। ऑटो डिमिंग मिरर नहीं है, टिक टिक वाला दे दिया है इन्होंने, बहुत आसान कर दिया कि दे दिया है इन्होंने, ये चीजें बहुत ही घटिया कॉस्ट कटिंग कर रखी है। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड जो है वायरलेस आता है, स्क्रीन ठीक ठाक काम करती है इसकी, बहुत ज्यादा लैगी नहीं है स्क्रीन, बढ़िया काम करती है। छोटा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है जिसमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन भी ना ढूंढनी पड़ती है आपको चलाते हुए कि कहां पे क्या क्या आ रहा है। अगला बहुत बड़ा नेगेटिव कि जो विंडो कंट्रोल है वो बीच में यहां पे दे रखी है पीछे की दो विंडोज की, भाई साहब इतना वो चीप फील करवाता ना, वो जैसे पुरानी बोलेरो में नहीं होता था बिल्कुल, पीछे के शीशे का कंट्रोल जो है यहाँ ड्राइवर सीट की जगह ड्राइवर के पास मास्टर कंट्रोल तो होना चाहिए, वो भी नहीं है, वो भी नहीं दे रखा जो है। और पीछे का जो ये आपको इसका एसी पैनल है वो ऐसा लगता है कि जबरदस्ती आफ्टर मार्केट लगा रखा है, वो अलग से ऐसा आफ्टर मार्केट लगा रखा है, ये बहुत एक चीप चीप सी फीलिंग देती हैं वो चीजें जो हैं। दोस्तों अगला बहुत बड़ा नेगेटिव जो भैया इंडिया में लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, एज अ कस्टमर हमारे लिए भी बहुत मैटर करता है, वो है माइलेज। भाई साहब माइलेज नहीं देगी ये गाड़ी कभी भी, माइलेज ये गाड़ी दे ही नहीं, मतलब जेब में छेद कर देगी, ऑटोमेटिक में तो बिल्कुल नहीं दे सकती क्योंकि टॉर्क भागता है इसका घोड़े की स्पीड से ऊपर जो है। जो गाड़ी हम चला रहे थे वो 6.1 की माइलेज शो कर रहा था ऑटोमेटिक, भाई साहब 6.1 की माइलेज क्या करोगे यार ऐसे टर्बो इंजन का, जो 5-6, 6-7 की माइलेज जो आपको सिटी में देगी वो कोई फायदा ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव है क्योंकि गाड़ी है बड़ी और इंजन है 3 सिलेंडर, तो कहीं ना कहीं इंजन पे लोड पड़ेगा गाड़ी को खींचते हुए। देखो इंजन फन टू ड्राइव है लेकिन ये ज्यादा फन टू ड्राइव C3 के अंदर ज्यादा फन टू ड्राइव लगता है इंजन, क्योंकि उसके हिसाब से ये काफी ओवर पावर्ड है, इंजन पावर सफिशियंट है लेकिन सही बात है गाड़ी कहीं ना कहीं बड़ी हो जाती है, साइज बड़ा हो जाता, वेट ज्यादा हो जाता है, तो इस चीज से सबसे बड़ा असर जो पड़ता है भैया वो पड़ता है माइलेज पे। तो जिन लोगों को इस चीज का कंसर्न रहता है ना भैया कितना देती है क्या माइलेज है क्या एवरेज है, भैया उन लोगों के लिए गाड़ी नहीं है। अब बात करते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे कि शुड यू बाय और नॉट। भैया हमारे टेस्ट में ड्राइव में तो ये पास होती है लेकिन ये वैसे ओवरऑल फेल हो जाती है, ये गाड़ी क्रॉस मार देते हैं इसमें कांटा, और आपको हम ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे गाड़ी, उसके बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि भैया ये गाड़ी तो चल जाएगी पर 10-15 साल भी, लेकिन क्या कंपनी चलेगी ये 10-15 साल? बिल्कुल भी नहीं, ना इनका सर्विस नेटवर्क है ना इनके शोरूम है, पूरी दिल्ली के अंदर एक शोरूम है, गुरुग्राम में एक शोरूम है, कुल मिला के जो है थोड़े से पूरे हिंदुस्तान में इनके शोरूम है। अब आप ये देखो यार संडे का दिन था, पूरे एरिया में पूरे दिल्ली में एक शोरूम है और संडे के दिन पूरा शोरूम खाली पड़ा हुआ था संडे के दिन पूरे एरिया में, जबकि एक ही शोरूम यार ऐसी गाड़ी कंसिडरेशन में लिस्ट में आ ही नहीं सकती दक्ष लोगों के। दोस्तों ये एक डेड इन्वेस्टमेंट है, कल को गाड़ी सिट्रोन वाले खुद भी नहीं खरीदेंगे आपकी जो है, 150 रुपया देगा। जब अगर कंपनी नई गाड़ी के ऊपर लाखों के डिस्काउंट बांट रही है, साल भर का तेल फ्री दे रही है बेचने के लिए उसको गाड़ी, तो कल को अगर आपको जरूरत पड़ गई बाई चांस पैसे की और आपको गाड़ी बेचनी हो तो भैया ये डेड इन्वेस्टमेंट है, कुछ नहीं मिलेगा, बिकेगी भी नहीं गाड़ी जो है। सही बात है दोस्तों। और कल को कंपनी छोड़ के चली गई यार, फोर्ड 60,000 गाड़ियां बेचता तब छोड़ के चला गया था। बिल्कुल सही बात बोलिए दोस्तों, फोर्ड इतनी सारी गाड़ियां बेचता था, इतनी फैन फॉलोइंग थी फोर्ड की, इनकी ना सेल्स है ना फैन फॉलोइंग है इनकी कोई। और दूसरा जो इनका स्टाफ भी इन्होंने रखा हुआ, इनका एक शोरूम है तो भैया पलकें बिछानी चाहिए इन लोगों को कस्टमर के लिए, भाई कस्टमर सपोर्ट बिल्कुल जीरो है, आप जाके इनके शोरूम में घूमते रहोगे कोई पूछता तक नहीं है। सही बात, रूड बिहेवियर है बेसिकली, रूड बिहेवियर है जो कि इनको बदलना पड़ेगा, नहीं तो भैया लोग जो है ब्रांड ही बदल लेंगे। सही बात है, अभी भी लोगों की कंसिडरेशन में नहीं है और आने वाले टाइम में अगर इन्होंने सर्विस नेटवर्क और स्टाफ को अपने इम्प्रूव नहीं किया, बिल्कुल सही बात, तो भैया टाटा बाय बाय होते हुए देर नहीं लगेगी, क्योंकि जितनी गाड़ियां बेच रहे हैं इसमें कंपनी के शोरूम्स के किराए नहीं निकल पा रहे होंगे। ऐसी गाड़ी बंदा तब लेता है जब या तो उसे कुछ बहुत ही अलग मिल रहा हो, जैसे आपने बाकी सुना होगा, जैसे अगर एमजी की रीसेल वैल्यू कम है, एमजी आपको बेस्ट इन क्लास क्वालिटी एंड प्रीमियमनेस दे रही है, फॉक्सवैगन स्कोडा की रीसेल कम है वो आपको बेस्ट इन क्लास ड्राइव क्वालिटी दे रही है, बिल्कुल दे रही है। इस गाड़ी में सलारियों वाले हैंडल है, बंदा क्यों इस गाड़ी पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है यार? कुछ भी ऐसा नहीं है इस गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिसके ऊपर बंदे का दिल आ जाए। एंड एक बात, जैसे दोस्तों हम शुरू में इंजन की कर रहे थे कि इंजन अच्छा दोस्तों,
ये गाड़ी बेसिकली आप इसे जो इसका 7-सीटर वर्जन है उसे किया कैरेंस या अर्टिगा के सेगमेंट में मान सकते हो। किया कैरेंस का 1.5 टर्बो इंजन 160 bhp वरना वाला को 13,80,000 रुपए का 13.5 लाख IMT के साथ मिल जाता है। IMT के साथ आपको 1.5 टर्बो 4 सिलेंडर मिल रहा है भाई साहब। किया है वो जिसको खुजली हो रही है ना बहुत ज्यादा टर्बो चलाना उसका चला के देख लेना। और जिसको इसी सेगमेंट की गाड़ी चाहिए क्योंकि गाड़ियां बेसिकली एक जैसी दिखती हैं। बोलते तो ये क्रेटा सेगमेंट की है लेकिन मुझे कहीं से भी ये क्रेटा सेगमेंट की गाड़ी लग नहीं रही थी। MPV लग रही थी आर्टिगा और कैरेंस के सेगमेंट की। मतलब कोई क्यों 14-15 लाख की ये गाड़ी लेगा 3 सिलेंडर इंजन जब उसको 13.5-14 लाख रुपए में किया का 1.5 इंजन मिल रहा है 4 सिलेंडर टर्बो वाला। तो भैया अपनी इन्वेस्टमेंट को डेड मत करो। हमारे रिकमेंडेशन की लिस्ट में ये गाड़ी नहीं आती है। हम अपने भाइयों को गलत चीज पे पैसा नहीं लगाने देंगे। और कल को भाई साहब इंटरनेशनल इंजन है ये, बाहर का इंजन है ये। कल को जब खर्चा आएगा ना कपड़े भी फाड़ देगा ये इंजन। और इनके स्पेयर पार्ट्स तो कभी कहीं मिलेंगे भी नहीं कहीं पे बाहर जो है। मुझे तो लगता है नहीं सिट्रोन के पास खुद भी मिलेंगे। हाँ खुद भी रेडी करनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों बेटर है कि अपना पैसा किसी बचा लो, किसी और गाड़ी में इन्वेस्ट कर लो भले ही आपको 2-4 चीजें कम मिल रही हो उसमें। बिल्कुल चाहे आप क्रेटा का बेस मॉडल उठा लेना इससे कम से कम कल को रिलायबल तो रहेगा, बिक तो जाएगी अगर जरूरत पड़ेगी। अर्टिगा CNG ले लेना, मॉडिफाई तो हो जाएगी। अर्टिगा CNG ले लेना एटलीस्ट उसमें आपको रीसेल वैल्यू माइलेज वगैरह सब मिल रहा है। इसकी सेफ्टी भी मुझे कोई खास ही लगी नहीं कि आप बोलो कि भैया पहले तो इनकी सिट्रोइन भी बाहर से 0-स्टार आई है। सबसे जरूरी ये है कि इनको सेफ्टी अपनी जो है चेक करवानी चाहिए जीएन कैप के अंदर भेज के, जो ये करवाने के लिए तैयार नहीं है। ये जो कंपनियां सिट्रोइन जैसी कंपनियां, ये इंडियंस को क्या, हम लोगों को क्या समझते हैं ये लोग कि हम पागल हैं, हम बेवकूफ हैं? अरे ये इनको लगता है कि बड़ी दिखने वाली गाड़ी दे दी तो लोग ले लेंगे, नहीं मतलब लेते हैं। ये कितने गंदे स्टैंडर्ड की गाड़ियां इंडिया में बेच रहे हैं। इनकी C3 हो गई, क्वालिटी वाइज कितनी गंदी गाड़ी है वो, 0-स्टार गाड़ियां यार। नहीं MG आई लोगों ने ली सर। अब ये देखो हेक्टर की माइलेज कितनी खराब है फिर भी लेते हैं लोग, फिर भी लोग क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी है, प्रीमियम है ना, अच्छी बहुत है चलने में, क्वालिटी वाइज कितनी अच्छी गाड़ी। सेल्टोस आई ली ना लोगों ने, बिल्कुल ली है यार। ग्राहक ना जुबान से खाने से पहले ना आंख से खाता है। प्रीमियमनेस के नाम पे 0 है गाड़ी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड अगर अभी भी कंफ्यूज हो कि मैं कौन सी गाड़ी लूं कौन सी ना लूं तो ये नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर बना रहा है, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करिए। एंड हाल फिलहाल में अगर आपने कोई ब्रांड न्यू गाड़ी ली है तो उसका ओनरशिप अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ये नीचे हमारा नंबर बना आ रहा है। और अगर नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं और उसकी PDI करवाना चाहते हैं यानी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन और हम लोगों से करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।